हेलो फ्रेंड्स, मायापुरी न्यूज रीड में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रेया शर्मा। ये बॉलीवुड की खबरें देखते हैं फटाफट। ईद पर आएंगे शाहरुख और सलमान। इस साल ईद पर जीरो का प्रोमो वीडियो लॉन्च किया जाएगा, जिसमें सलमान खान की भी झलक मिलेगी। हालांकि सलमान फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस देंगे, जैसे शाहरुख खान ने ट्यूबलाइट में दी थी। सट्टेबाज अरबाज खान। सलमान के भाई अरबाज खान पर अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाजी में पैसा लगाने का आरोप लगा है। इस मामले में थाने पुलिस ने अरबाज को समन जारी किया है। मुंबई से चलने वाले सट्टेबाजी रैकेट की जांच के लिए उनसे पूछताछ की जाएगी। बदल रहे हैं आलिया के तेवर। आलिया भट्ट ने अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी और सक्सेस को देखते हुए अपनी फीस बढ़ा दी है। फिल्म के लिए 5 करोड़ की फीस लेने वाली आलिया भट्ट ने अपनी फीस बढ़ाकर 9 करोड़ कर दी है। रिधिमा को पसंद है आलिया। रणबीर कपूर की बहन रिधिमा ने आलिया को गिफ्ट में एक डायमंड ब्रेसलेट दिया है। आलिया ने रिधिमा को शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, बहुत अच्छा है, शुक्रिया रिधिमा कपूर सहानी इस ब्रेसलेट के लिए। टॉयलेट हीरो अक्षय कुमार। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा अब चीन में रिलीज होने जा रही है। फिल्म को टॉयलेट हीरो के नाम से 8 जून को रिलीज किया जाएगा। ये इस साल चीन में रिलीज होने वाली 5वीं फिल्म होगी। सीक्वल फिल्मों में अक्षय कुमार। अक्षय कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी के तीसरे सीक्वल में काम करने जा रहे हैं। इसके अलावा फिरोज नांदियारवाला की फिल्म आवारा पागल दीवाना के सीक्वल की खबरें तेज हो रही हैं। वेकेशन पर दीपशिखा। दीपशिखा फैमिली के साथ वेकेशन पर गई हुई हैं। दीपशिखा अपनी टोन बॉडी फ्लॉन्ट करती नजर आई। फैमिली के साथ दीपशिखा ऑरलैंडो, लॉस वेगस, सैन फ्रांसिस्को जैसी जगह पर वेकेशन कर रही हैं। संजय दत्त बनाएंगे फिल्में। संजय दत्त 6 साल बाद जल्द ही तेलुगु फिल्म प्रस्थानम का हिंदी रीमेक बनाएंगे, जिसकी शूटिंग वो मां नरगिस के जन्मदिन के मौके पर शुरू करेंगे। वोग के कवर पेज पर जानवी। जानवी कपूर वोग मैगजीन के कवर पेज पर नजर आई है। ये जानवी का पहला मैगजीन फोटो शूट है। इन फोटोज में वो काफी खूबसूरत और कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। नासा पहुंची जीरो की टीम। शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा आर माधवन के साथ नासा में फिल्म के लिए शूटिंग कर रहे हैं। टीम इस समय अमेरिका में फिल्म के फाइनल शेड्यूल की शूटिंग कर रही है। 7 फेरों की हेरा फेरी। सोनी टीवी के शो 7 फेरों की हेरा फेरी में बापूजी जिग्ना की शादी को लेकर चिंतित हैं और परिमल से मदद मांगते हैं। परिमल और रूपल जिग्ना को मुंबई बुलाने के लिए जाल बिछाते हैं। राजकुमार राव को पसंद है ऐश्वर्या। राजकुमार राव फिल्म फन्ने खां को लेकर खुश हैं और उनका कहना है कि उन्हें अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ काम करने में मजा आया। फन्ने खां काफी अच्छी बनी है, मैं फिल्म से बहुत खुश हूँ। अगली फिल्म की तैयारी में जॉन। जॉन अपनी आने वाली फिल्म के लुक टेस्ट के लिए निकले थे। ऐसे में उनका एक क्लीन शेव अंदाज देखने को मिल रहा है, जिससे काफी हद तक साफ है कि वो अपनी आने वाली फिल्म में कुछ अलग अंदाज में नजर आ सकते हैं। नवाज के साथ काम नहीं करेंगी तापसी। हनी त्रेहन ने हाल ही में एक थ्रिलर फिल्म बनाने का फैसला किया है। इस फिल्म में वो तापसी पन्नू और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन तापसी ने काम करने से मना कर दिया है। जीजा जी की छत पर चाट पार्टी। सब टीवी के शो जीजा जी छत पर है कि 100 एपिसोड पूरे होने पर शो के कलाकारों और क्रू मेंबर ने मिलकर केक काटा और एक चाट पार्टी का आयोजन किया। मैन इन द मून माय जर्नी। राइटर और फिल्म मेकर संजय छल की पहली पेंटिंग एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया पंकज उदास, उमेश शुक्ला जैसे लोगों ने। संजय आर्ट को एक मेडिटेशन की तरह समझते हैं। आवारा पागल दीवाना सुनील शेट्टी। प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला फिल्म आवारा पागल दीवाना का सीक्वल बना रहे हैं। फिल्म के सीक्वल के लिए सुनील शेट्टी का नाम फाइनल हो चुका है। फिल्म में वो येड़ा अन्ना का रोल प्ले करेंगे। तारक मेहता के बाघा बने चोर। जब जेठालाल अपनी दुकान पर आता है और पूछता है कि बाघा कहाँ है, तब तक पड़ोसी बताता है कि उसने बाघा को एक ट्रक में कार्टन डालकर कहीं ले जाते देखा है। जेठालाल ताला तोड़कर दुकान में घुसता है तो उसे दुकान पूरी खाली मिलती है। आज राज कपूर की पुण्यतिथि है। राज कपूर हिंदी सिनेमा के महान अभिनेताओं में गिने जाते हैं। एक और वह जहां अपनी फिल्म आवारा, मेरा नाम जोकर, बरसात और श्री 420 के कारण फेमस हुए थे। राज कपूर ने 2 जून 1988 को दुनिया छोड़ दी थी, लेकिन उनकी फिल्में आज भी उनके होने का आभास कराती हैं। XXX4 में दीपिका। XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज के डायरेक्टर डीजे कारुसो ने ट्वीट किया, मैं XXX4 का अंत एक बॉलीवुड डांस नंबर के साथ करना चाहता हूं, निश्चित तौर में इसमें दीपिका होंगी। मायापुरी न्यूज रीड में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए मायापुरी कट।